अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। गुलगश्त पिजन जोया में तमाम दोस्तों को सलाम हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी कराची वाले भाइयों के लिए है जो कराची में या जिन शहरों में मच्छर अटैक कर चुका है। ये बड़ी ख़ास तौर मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो तमाम मेरे भाई जो है वो ये वीडियो बड़े गौर से आपने देखनी है और फुल देखनी है। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बराए मेहरबानी करें और बेल का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो है चोंच पर जब दाना बनना स्टार्ट होता है, बच्चों की चोंच पर, बीट पर और जिस्म पर जब दाना बनना स्टार्ट होता है। एक तो बन जाता है ना, एक बनना स्टार्ट होता है, ये उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है कि उसके लिए आपको क्या ज़रूरी इकदाम करने हैं। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने इनाम के हकदार भी बने। तो चलते हैं अपनी वीडियो के मकसद की तरफ। आज की वीडियो जो है वो पार्ट 7 है आप लोगों के लिए। इससे पहले 6 पार्ट बन चुके हैं, पार्ट 7 स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को एक पार्ट और है, 8 वो रह गया है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बाद किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है, वो पार्ट 8 में बताऊंगा। तो पार्ट 8 को देखने के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि पेन कापी लाजमी रखा करें जब भी मेरी वीडियो देखा करें। आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि बच्चों की चोंच पर जब दाने बनना शुरू होते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले 3 चीज़ें ख़रीद लेनी है हकीम से। एक है पनीर दूध, पनीर दूध, ठीक है, दूध बनेगा जैसे दूध लिखते हैं तो उसमें दाल के ऊपर वो तोएं बनेगी दो दफ़ा तो दूध बन जाएगा, पनीर दूध, ठीक है दोस्तों। दूसरा है खुश्क करेला, एक खुश्क करेला मिलता है हकीम की दुकान से, मिलेगा वो भी आपको, तो खुश्क करेला। और तीसरा है दोस्तों चौरायता, चौरायता आपने लेना है, ये भी आपने हकीम की दुकान से लेना है। हसबे ज़रूरत ले लें, 10-10, 20-20 रुपए का ले लें, ठीक है दोस्तों। 10-10, 20-20 रुपए का लेने से ये आप ले लेंगे। उसके बाद ये आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने बराबर की मकदार में लेकर एक सफ़ूफ बना लें और उनको आपने क्या करना है, सफ़ूफ बनाने के बाद आपने एक आटा लेना है इनके बराबर गूंदा हुआ आटा, उसमें आपने इसको जो है वो मिक्स कर देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने उसकी गोलियां बना लेनी है, छोटी छोटी उसकी गोलियां बना लेनी है, चने के बराबर बना लें गोलियां, एक चना जितना होता है उसके बराबर गोलियाँ आप बना लें। गोलियां बनाने के बाद आपने क्या करना है, जिस कबूतर को चोंच पर दाने निकल आए, बीट पर दाने निकले हैं, इनको आपने 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को देनी हैं। कम से कम 4 दिन देनी है, अगर आराम नहीं आता तो 5वां दिन भी आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम, आटा बराबर का लेकर उसमें मिक्स कर ये सारा सफ़ूफ बनाकर उसमें डाल दें। अगर आराम ना आए तो 4 दिन के बाद फिर आप 1 दिन दे सकते हैं और 5वें दिन इंशाल्लाह ताला इसको फ़र्क पड़ जाएगा परिंदों को और इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा। आज मेरी छत पर मुझे लगता है बिल्ली ने हमला किया है, वो आ तो नहीं सकी, लेकिन ये देखें दाना भी मेरे कबूतर अभी नहीं खा रहे और ये डरे हुए भी हैं। मैं ये नोट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये दरवाज़ा है और यहाँ से बिल्लियाँ आती जाती हैं। बहरहाल कबूतर तो यहाँ फिक्स पड़े हैं, मज़बूत हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि बिल्ली जब सामने आती है तो कबूतर डरते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो 7 कंप्लीट हुई, पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 8 में मिलते हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आपके परिंदों की हिफाज़त फरमाएँ, हमारे भी परिंदों की हिफाज़त फरमाएँ। बहुत से दोस्त जिनके मच्छरों की वजह से परेशान हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।